यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद से कैमरे कहीं नहीं दिख रहे हैं, एक ही कैमरा लगा हुआ पूरे गली में नहीं लगा, क्या कारण है उसके पीछे? शौचालयों की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई सही से शौचालय बनाए जाए जो बहन बेटियां हमारी पहुंच सके, अच्छी तरह से लैट्रिन बाथरूम कर सके। हमारा मानना यह है कि 15 साल से एमसीडी में सरकार है, एमसीडी में सरकार अच्छा काम कर रही है तभी तो 15 साल इसमें रह रही है, अगर जो काम नहीं करती तो 5 साल में बदल देती है गवर्नमेंट को। जब हमारी कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है तो सांसी क्या करते हैं, उसको जो शराब 10 की आती है उसको 20 के बेचते हैं, ब्लैक में बेचते हैं, वो एक दिन में 2-2, 4-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो इससे अच्छा तो अगर हमारी जो ठेके से लेंगे जो हमारी गवर्नमेंट सरकार ने कराए, इससे अच्छा तो वो उसी रेट में तो लेंगे जो आम दिन बिकती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जो, आज मैं प्राइवेट में गया था तो प्राइवेट ने भाई साहब 20,000 रुपया रोज के मांगे थे, हम 20,000 रुपया कहाँ से देते, बताइए मजदूर आदमी कहाँ से देगा 20,000 रुपये, यानी रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा काम करने वाले, रोज कमाना रोज खाना, कहाँ से लाएंगे 20,000 रुपये हम, बताइए आप। दोनों पार्टी अपना अच्छी तरीके से काम कर रही है, मगर ये पार्टी है ये एक दूसरे को ऐसे वो करती रहेंगी, वो उस पर पल्ला झाड़ लेगा, वो उस पर पल्ला झाड़ लेगा, वो बोलेगा वो काम नहीं कर रही है, वो बोलेगा वो काम नहीं कर रही है। हमने खुद अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी में करा दिया जी, सरकारी में भी सुविधा अच्छी दे रही, बढ़िया बिल्डिंग बना दी है, बढ़िया फैसिलिटी दे रही है, हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल के अंदर, हमें खुद देखता है साफ सफाई है, अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशन लाइव, मैं हूँ आपके साथ शिव शंकर उपाध्याय। मेरी दिल्ली मैं ही सवार केजरीवाल और सरकार के जो नारे हैं, दिल्ली में कितना विकास दिल्ली के लोगों को मिला है, वाकई में हकीकत ज़मीन तक पहुंची है, इन सब पर बात करने के लिए हम इस वक्त काली बस्ती में मौजूद हैं और यहां के कई लोग मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या 5 साल में जो है जो केजरीवाल सरकार दावे करती है या फिर 15 साल से जो MCD सत्ता में रही है वो क्या उनके बारे में क्या सोचते हैं ये लोग, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं। कुलदीप सर। कुलदीप। कुलदीप जी, हमें ये बताइए कि केजरीवाल का काम कैसा रहा है? केजरीवाल का जब से सरकार बनी है अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। हाँ, लाइट फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बसों में किराया फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए पब्लिक को, तो यही चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, और पब्लिक को क्या चाहिए उससे। आपको लगता है आपके एरिए में जो है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार को जानना चाहिए और उसको दूर करने पे विचार करना चाहिए? अब जैसे मान लो कि ये बारात घर है, एक हमारे इधर बारात घर नहीं है, वो बारात घर बनना चाहिए, उसके लिए हमें दूसरी कॉलोनी में जाना पड़ता है, और दूसरी उसमें जाना पड़ता है, और थोड़े शौचालयों में दिक्कत होती है, बाकी तो MCD वाले अपना काम कर ही रहे हैं, बाकी पब्लिक की भी जिम्मेवारी है, अगर पब्लिक MCD कर्मचारी आता है और काम करके चला जाता है, और पब्लिक आती है और पब्लिक कर्मचारी तो अपने आता है और काम करके चला जाता है, ठीक है, उसके बाद कोई भी आता है और कूड़ा फेंक के चला जाता है, तो उसमें कर्मचारी क्या गलती है, कर्मचारी तो अपना काम करके, ये कर्मचारी एक बार आएगा, दो बार आएगा, बार बार थोड़ी ना आएगा, कर्मचारी तो अगले दिन बार ही आएगा या कंप्लेंट होगी तभी आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा कर्मचारी। आपको लगता है कि जो MCD 15 साल से दिल्ली में थी, हाँ, वो अच्छा काम किया है केजरीवाल ने, अच्छा काम किया है, किसने ज़्यादा बढ़िया काम किया, अगर आपकी राय से हम जानना चाहें तो? मेरा मानना यह है कि दोनों सरकार आप अपनी जगह अच्छा काम कर रही है, MCD में BJP की सरकार है वो भी अपना सही काम कर रही है, और जो झाड़ू की सरकार है वो भी अपना अच्छा काम कर रही है, आम पब्लिक को क्या चाहिए, लाइट पानी और ये बसों में किराया और राशन फ्री दे रही है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए पब्लिक को। चलिए ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। संजीव। सर आपको क्या लगता है आपके इस एरिए में सबसे बड़ी समस्या क्या है या क्या ऐसी मांग है जो लगता है कि आपके इस एरिए में होनी चाहिए? देखो सर, ऐसा है, पहले पानी की ज़्यादा समस्या हो रही थी, पानी जो बरसात होती थी पानी भर जाता था, इसके अंदर जो उस लेन पे रोड निकला, जो उनने नेता लोगों ने बोला कि इस लेन पे हम लेन बनाएंगे उसमें पानी की सप्लाई करेंगे, अब देखते हैं क्या होता भाई, इसमें हम तो नहीं पता इतना। अच्छा, आपको लगता है इस एरिया में कोई
ऐसी समस्या है जो काफ़ी दिनों से है और सरकार का ध्यान अभी तक नहीं पहुंचा है उस समस्या पे, और उसको दूर करने के लिए चाहिए सरकार को एक अमल करनी चाहिए उस पर। देखो सर, ऐसा है, सबसे पहले क्या है कि बच्चों की शादी हैं, ब्याह हैं और बारात घर है, ये चीज़ ज़रूरी है, मेन चीज़ तो ये होती है, ठीक है। बाकी तो सब चलता ही रहेगा और सब चलता चला आया, ये समय से चलता चला आया, बहुत समय बदल गया जाके, और अभी भी बहुत समय बदल गया पहले से, अब समय ज़्यादा बदल गया। जिस तरीके से आपसे बात करें कि जैसे अभी नालियों की बात हो रही थी, आपकी इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, आपसे जानना चाहेंगे सर, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद से कैमरे कहीं नहीं दिख रहे हैं, एक ही कैमरा लगा हुआ पूरे गली में नहीं लगा, क्या कारण है उसके पीछे? कैमरे तो लगाने आए थे मगर किसी ने लगवाए नहीं कैमरे, सब ने वही वाईफाई के चक्कर में कि वाईफाई कनेक्ट करेंगे, लड़के बैठेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, इसी वजह से उन्होंने कैमरे मना कर दिया एरिया वालों ने, ताकि हमें कैमरे नहीं लगवाने हैं इस वजह से। सर आपसे अब जानना चाहेंगे कि नालियों की समस्या कब से है यहाँ पे, सफाई होती है नालियों की या फिर कब से नहीं हो रही है? नहीं, सफाई भी करते हैं, अब नालियाँ बंद पड़ी रहती हैं सर, अब जो पुरानी नालियाँ हैं और सारी बंद पड़ी हैं, अब इसमें अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, अब ये कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, रोज आते हैं कर्मचारी, तो दो दो ढाई ढाई बजे तक लगा रहता है, आप कल आके देखिए, कल भी आपको ढाई बजे लो कर्मचारी यहीं पे लगा हुआ मिलेगा, ढाई बजे छुट्टी होती है उनकी, कर्मचारी जब तक उसकी छुट्टी होती जब तक तो काम कर ही रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि काम इस बार बढ़िया केजरीवाल सरकार कर रही है या MCD में BJP सरकार कर रही है? देखो सर ये तो दोनों पार्टियाँ अच्छी सा काम सही कर रही हैं, केजरीवाल जी भी काम बढ़िया कर रहे हैं और मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम दोनों बढ़िया सही कर रहे हैं, अब करने वाले की क्या कमी है वो तो वो ही समझेंगे। कभी आपके इलाके के जैसे विधायक जो हैं यादव जी, वो कभी आते हैं यहाँ पे एरिया में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं, राउंड मारने आते हैं, कभी कभी आते हैं राउंड मारने, हाँ चक्कर मारने आते हैं। चलिए तो सर आपसे जाना है, क्या MLA जो है कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों की समस्या सुन रहे हैं? जब से MLA बना है सबसे हमारे को ज़्यादा समस्या क्या थी, सीवर लाइन नहीं थी, अब हमारी गली में पूरी कॉलोनी में सीवर लाइन डलने लग गई है जी, आधी तकरीबन 75% हमारी कॉलोनी में सीवर लाइन डल गई है और 25% सीवर लाइन का काम अभी बचा हुआ जो चला हुआ, जब विधायक से पहले कोई नहीं आता था और ना सीवर, हमने कितनी बार मांग करी कि हमारे कॉलोनी में सीवर लाइन होनी चाहिए, मगर जब से विधायक जी आए हैं महेंद्र यादव जी, उसके बाद उन्होंने ही अपना ये सीवर लाइन का काम चालू करा, बहुत परेशान रहते थे सीवर लाइन के चक्कर में। हमारी समस्या है कि शौचालयों की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई सही से शौचालय बनाए जाए जो बहन बेटियाँ हमारी पहुँच सके, अच्छी तरह से लैट्रिन बाथरूम कर सकें। ये शौचालय जो हमारे यहाँ कॉलोनी के अंदर बीच में जो शौचालय है, इन शौचालयों को ख़त्म करके इनकी पार्क बनाई जाए और हमारी जो सीवर लाइन है वो चालू की जाए, हम उसमें कनेक्शन करा लेंगे अपना सीवर लाइन का। हमारा मानना ये है कि 15 साल से MCD में सरकार है, MCD में सरकार अच्छा काम कर रही है तभी तो 15 साल इसमें रह रही है, अगर जो काम नहीं करती तो 5 साल में बदल देते हैं गवर्नमेंट को, और ये यही इसका हाल है इसको केजरीवाल का, केजरीवाल अच्छी तरह से काम कर रहा तभी तो इसको ये 7 साल 8 साल से इसमें आए, अगर काम नहीं करेगा तो 5 साल में ही जब जनता को लगता है कि ये सरकार काम नहीं कर रही है तो वो 5 साल में जनता उसको सरकार को बदल देती है। 10-15 साल से MCD में BJP की सरकार है तो BJP अच्छा काम कर रही थी तभी तो है, अच्छा काम नहीं करती तो वो बदल देते, उसको 5 साल में बदल देते। आपसे हमारा एक सवाल रहेगा, आप कई चीज़ों पर बात कर रहे हैं, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि केजरीवाल ने जो शराब नीति एक लागू की उसको आप किस तरीके से देखते हैं, वो अच्छा है या दिल्ली वालों के लिए अच्छा है या बुरा है, क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? देखो जी मेरा मानना ये है कि जितनी भी ये जो प्राइवेट बेचते हैं जो दारू सांसी बेचते हैं उनसे आदमी कितना मर जाता है वो उनका तो यही नहीं पता, इसमें कितनी डिग्री होती है, कितना नहीं अच्छी है बुरी है, आदमी पीता है कहीं रोड पे पड़ा रहता है उसका तो कोई नहीं, जो ये दारू बेच रही है गवर्नमेंट बेच रही है इसका कम से कम ये तो होगा कि भैया कंपनी की तो है, इससे मरने से तो बचेगा, पीने वाले ने तो पीनी है जी, वो कैसे भी पिएगा, उसको तो ये नहीं देखेगा भाई हमारे घर में बच्चे भूखे हैं या नहीं है खाना, उनको तो पीने वाले को तो पीनी है जी, हाँ तो जो भी हमारे, और सबसे क्या होता है जी जब हमारी कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है तो सांसी क्या करते हैं उसको जो शराब 10 की आती है उसको 20 के बेचते हैं, ब्लैक में बेचते हैं,
वो एक दिन में दो दो चार चार लाख रुपए कमा लेते हैं। हाँ तो इससे अच्छा तो अगर हमारी जो ठेके से लेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट सरकार ने कराए, इससे अच्छा तो वो उसी रेट में तो लेंगे जो आम दिन बिकती है, उससे ये तो फ़ायदा होएगा। और ये क्या करते हैं, जब किसी दिन छुट्टी होती है, जैसे सरकारी छुट्टी होती है, तो ये जो प्राइवेट बेचते हैं क्या करते हैं, 10 की चीज़ को 20 में बेचते हैं और उल्टी सीधी दारू बेचते हैं उससे, जिससे कि पब्लिक मर जाती है। तो इससे अच्छा यही तो है कि गवर्नमेंट जो अपना करे, उसका एक लेवल होएगा, टैक्स होएगा, सब कुछ तो होगा उसको। हम अगर कुछ भी हादसा होता तो हम बोल तो सकते भाई हमने इसकी दारू पी के मरे हैं, अब हम सांसी की दारू पी रहे हैं, सांसी बोलते हमारे उससे हमसे नहीं ली, वो बोलते हैं उसका नाम लेते, वो बोलते हमारे वहाँ से ली, तो आदमी का तो कोई वैल्यू नहीं, ख़त्म हो जाता आदमी तो। हाँ तो इससे अच्छा तो हम तो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट कर रही है दारू, पीने वाले तो पीनी है, हाँ तो इससे अच्छा तो जो ये और ये बेच रहे हैं दारू, जो गवर्नमेंट बेच रही है वो ही सही है, इन जो प्राइवेट से तो सही है ये। सर जो हमेशा से जैसे एमसीडी में जो है बीजेपी है, हाँ। सरकार में जो है, हाँ। केजरीवाल हैं, हाँ। लेकिन हमेशा से जो बीजेपी के जो एमसीडी वाले हैं, हाँ। वो आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, हाँ। आपको क्या लगता है काम कर रही है या नहीं कर रही है? दोनों पार्टी अपना अच्छी तरीके से काम कर रही है, मगर ये पार्टी है ये एक दूसरे को ऐसे वो करती रहेंगी, वो उस पर पल्ला झाड़ लेगा, वो उस पर पल्ला झाड़ लेगा, वो बोलेगा वो काम नहीं कर रही है, वो बोलेगा वो काम नहीं कर रही है, मगर दोनों सरकारें अच्छा काम कर रही है। दोनों सरकार आप भी देख रहे हो, अगर अच्छा काम नहीं कर रही होती सरकार तो 15 साल से एमसीडी में सरकार नहीं होती बीजेपी की, और केजरीवाल अपना अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो केजरीवाल को कब का दिल्ली से बाहर निकाल के फेंक देते, कि अच्छा काम कर रहे हैं दोनों सरकारें, ये तो एक दूसरे को पल्ला झाड़ते वो काम नहीं कर रहा ये काम नहीं कर रहा है, दोनों सरकारें अपना अच्छी तरीके से काम निभा रही हैं। और जो स्कूल जो है हमेशा से, जैसे केजरीवाल सरकार हमेशा से स्कूल कहती है कि हमने स्कूलों को बड़ा अच्छा बना, हाँ। दिया है, आप लोगों को जो आपके एरिया के बच्चे हैं, हाँ। या सुविधाएं उनको अच्छी मिल रही पहले की तुलना में, अच्छी सुविधाएं अब मिल रही स्कूलों में? हमारे खुद जब ये बीमारी में जी बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे, हमने खुद अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी में करा दिया जी, सरकारी में भी सुविधा अच्छी दे रही, बढ़िया बिल्डिंग बना दिया, बढ़िया फैसिलिटी दे रही है, हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल के अंदर, हमें खुद देखता है साफ सफाई है, अच्छा लगता है, पहले से बेहतर हो गए हैं। ये तो जो आपके इलाके में अगर बात किया जाए तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल सरकार की है, हाँ। ये आपके मोहल्ला क्लिनिक यहाँ एरिया में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है? हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। एरिया में है कहीं मोहल्ला क्लिनिक? यहाँ पे सिर्फ बिहार में है जी, वहीं पे जाते हैं, जो भी कोई समस्या होती है, कुछ भी परेशानी होती है वहीं पे जाते हैं जी सब। कितना दूर है यहाँ से होगा? 1 किलोमीटर होगा। हाँ 1 किलोमीटर। दवाएं मिल जाती हैं पूरी, हाँ, या फिर टाइम से खुलती हैं कि नहीं? हाँ मिलती है दवाई, जो अगर कोई जाएगा नहीं तो उसको क्या मिलेगी, जाएगा तो मिलेगी दवाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल, जो आज मैं प्राइवेट में गया था तो प्राइवेट ने भाई साहब 20,000 रुपया रोज के मांगे थे, हम 20,000 रुपया कहाँ से देते बताइए, मजदूर आदमी कहाँ से देगा 20,000 रुपये, यानी रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा काम करने वाले, रोज कमाना रोज खाना, कहाँ से लाएंगे 20,000 रुपये हम बताइए आप। मतलब अच्छा काम कर रही है कुल मिला जुला के अगर केजरीवाल की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी वाली सुविधाएं हैं या फिर जो भी और सुविधाएं हैं, बस की यात्रा फ्री है, आपको लगता है सब सुविधाएं अच्छा काम कर? हमें तो बढ़िया अच्छी लगी है, बाकी किसको क्या कहना, हमें तो भाई हमें तो सारी सुविधा अच्छी लगी है, क्योंकि हमने देखी है कई सुविधा हमें मिली है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे लड़का ऑपरेशन हुआ अभी, आज लगभग 20-25 दिन हो गए उसको ऑपरेशन, बहुत तंगड़ा हुआ था, देखभाल अच्छी करी डॉक्टर लोगन ने और दवाइयाँ सही मिली, कोई दिक्कत ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो ये अगर हम आपको बताना चाहें तो अभी जो हम यहाँ पे इलाके की रिपोर्ट कर रहे हैं और जिसमें हमें केजरीवाल की जो सुविधाएँ हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है या तमाम अन्य बस की सुविधाएँ हों, इन सब पर लोग बात कर रहे हैं और उनको सुविधाएं मिल रही हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसी बेसिस पे अपने निर्णय को बना रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अच्छा काम, जो केजरीवाल का काम है वो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, एमसीडी में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश हम आप दर्शकों को देना चाहेंगे, अभी जो हमसे बात कर रहे थे इन्होंने साफ तौर से कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कूड़े या कचड़े को लेकर सरकार को ना ब्लेम करें, बल्कि खुद से हम अपने कूड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और खुद जाकर कूड़ेदान में उसका इस्तेमाल करें, कूड़ेदान में फेंकें चीज़ों को, जो भी हमारे पास में कूड़े का सामान रहता है उसको कूड़ेदान में यूज़ करें। यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, मुझे लगता है इस पे पब्लिक को गौर करना चाहिए।
कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।